तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रजिस्टर कलर कोड सिस्टम के बारे में। इस लेक्चर में मैं आपको रजिस्टर कलर कोड सिस्टम के बारे में तो बेसिक्स बताऊंगा ही, बट उसके अलावा मैं आपको इसके कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगा और आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि जैसे कि कोई आपको रजिस्टर दे रहा है तो वो रजिस्टर देख के आप उसकी वैल्यू बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट ऑफ रजिस्टर, मतलब ओम तो होता है रजिस्टर, उसका रजिस्टर का यूनिट, बट वो जो रजिस्टर की वैल्यू अगर कुछ बड़ी आती है, बड़े नंबर्स होते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं किलो ओम्स, मेगा ओम्स। तो ये सब मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए बता दूंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ कलर कोड। एक्चुअली कलर कोड फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स बने होते हैं, उस रूल्स के ज़रिए हम रजिस्टर के कलर कोड के ज़रिए उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कलर कोड चार्ट। कलर कोड चार्ट आपको कैसे याद रखना है ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फोर बैंड का कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, फिफ्थ बैंड का भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा। और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, जो ट्रिक है कि कैसे हम रजिस्टर को देख के उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। तो रजिस्टर को हमें पता है, रजिस्टर का यूनिट होता है ओहम। उसको ओहम में कैलकुलेट करते हैं, मतलब रजिस्टर का रेजिस्टेंस ओहम में कैलकुलेट होता है, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी वैल्यू, हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 27,000, तो हर जगह पे हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको ये कन्वर्ट हो जा रहा है किलो में, मतलब 27 किलो ओहम्स, तो ये हम लिखते हैं। तो मतलब आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हो ये इसका चार्ट है, तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले। तो आप रजिस्टर की जो भी वैल्यू आ रही है, जो बड़े अंकों की वैल्यू आ रही है, तो आप उसको किलो ओहम्स, मेगा ओहम्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रूल्स, रूल्स ऑफ कलर कोड सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सब रूल्स लिख लेता हूं, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने सब रूल्स लिख लिए हैं, एक एक करके मैं आपको सब समझाता हूं। तो पहला हम ले लेते हैं, ये क्या लिख रहा है, ब्लैक गोल्ड सिल्वर डज नॉट कम्स इन फर्स्ट डिजिट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि रजिस्टर में, ये हमारा रजिस्टर है चार बैंड वाला, 3 4, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो फर्स्ट बैंड है ना, इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्लैक ये कभी नहीं आएंगे, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। सेकेंड है कि ये क्या बोल रहा है, गोल्ड सिल्वर आर ऑलवेज कम आफ्टर द फर्स्ट टू बैंड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो हमेशा, ये जो दो बैंड है ना, इसके बाद ही आएंगे, मतलब यहाँ पर ही होंगे, ये यहाँ पे, इधर यहाँ पे, बट फर्स्ट टू बैंड्स में नहीं होंगे गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज अ नो फोर्थ बैंड कंसीडर इट एज अ नो कलर विद द 20% टॉलरेंस। हाँ, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये फोर्थ वाला बैंड प्रेजेंट नहीं होगा, बस तीन ही बैंड हो गए, तो हम क्या करेंगे, ये जो चौथा वाला बैंड है इसे हम कंसिडर करेंगे एज अ नो कलर, और नो कलर का टॉलरेंस हमें पता है कि वो 20% होता है। तो एज अ 20% टॉलरेंस हम कंसिडर करके ये फोर्थ वाला बैंड इसे ऐसे कंसिडर करेंगे। तो बहुत लोगों का एक डाउट होता है कि हम मतलब रजिस्टर को काउंटिंग कहाँ से शुरुआत करें, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ जैसे कि आपको सिंपल हो जाएगा। लो, ये मेरे पास दो रजिस्टर है, तो हम इसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मतलब बैंड, फर्स्ट बैंड कैसे कंसिडर करेंगे। तो आप देख रहे हो ये हमें बीच में थोड़ी सी गैप लग रही है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ बैंड्स हो गए तो वहाँ से हम फर्स्ट नंबर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स ऑफ बैंड्स है, तो यहाँ से हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे, और गैप के बाद जो अकेला होता है, दूर होता है, तो उसे हम लास्ट कंसिडर करेंगे। तो ये सिंपल ट्रिक होती है रजिस्टर के, मतलब फर्स्ट कहाँ से काउंट करें और लास्ट किसे कंसिडर करें। तो अब हम देखेंगे कलर कोड चार्ट।
तो इसमें पहले आप सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लो कलर कोड चार्ट कैसे होता है। इसके बाद मैं आपको ये जो कलर कोड चार्ट है ये इसको कैसे याद रखना है, परमानेंटली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये, इसे मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वो दो तरीके, फिर मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक कुछ सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हैं, बैड बियर रॉट्स और यंग गट्स बट वोडका गोज वेल गेट सम नाउ। तो अगर ये सेंटेंस आप याद रखोगे तो इसके जरिए हम कलर कोड चार्ट जिंदगी भर याद रख सकते हैं। तो इसका हम फर्स्ट लेटर्स यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि है पहला बी, देन दूसरा है बी, देन तीसरा है आर, देन ओ, देन यू, जी, बी, वी, जी, डब्ल्यू, जी, एस, एन, एन। तो ये इसके पहले फर्स्ट लेटर सबके लिख ले, तो उससे देख लीजिए आप, ये होता है हमारा सबसे पहला ब्लैक, फिर होता है हमारा ब्राउन, ऐसे करके हम सब कलर तो आप देख सकते हैं। इसी जरिए हम मतलब जो ये सेंटेंस है, बैड बेर रॉट्स और यंग गट्स बट वोडका गोज वेल गेट सम नाउ, इस सेंटेंस के जरिए हम हमारे कलर कोड को याद रख सकते हैं। जैसे कि बैड से है बी, बियर से है बी, रॉट से है आर, और से है ऑरेंज, यंग से है येलो, देन गट से है जी, बट से आता है बी, वी वोडका से आता है बी। तो ऐसा आप सब देख के ये कलर कोड चार्ट याद रख सकते हैं। सेकंड वे है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही फेमस वे है, सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, बट ये जो तरीका है बहुत ईजी है, सब इसे याद रखते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले से। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड वे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये बहुत ही कॉमन और फेमस वे है, इस जरिए रजिस्टर कलर कोड को याद किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आप देखो, बी बी रॉय, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, शी वॉन्ट्स गोल्ड सिल्वर और नो कलर, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला ये आपको याद रखना है, इसी जरिए आप कलर कोड चार्ट याद रख सकते हैं। जैसे कि बी बी रॉय मतलब बी से ब्लैक आता है, ब्लू से ब्राउन आता है, रेड आर से रेड आता है, ओ से ऑरेंज आता है, वाई से येलो आता है, ऑफ ग्रेट ग्रेट जी से फिर ग्रीन आता है। तो इस जरिए आप अपना कलर कोड चार्ट को जिंदगी भर याद रख सकते हैं ये दो सेंटेंस से। तो ये आप देख लो, आप इसको रट्टा मार लो, एकदम से पक्का दिमाग में बिठा लो, कहीं भी आपको पूछा जाए तो कलर कोड आपको एकदम से याद होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं फोर बैंड कैलकुलेशंस। अगर रेजिस्टर को फोर बैंड्स हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टर है, ये पहला बैंड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये है फोर्थ बैंड, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, रेड, ऑरेंज, ब्राउन और सिल्वर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर जो कलर कोड चार्ट है, तो उसके जरिए रेड की जो वैल्यू है वो होती है दो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ऑरेंज की वैल्यू होती है 3, ब्राउन की वैल्यू होती है 10^1 और सिल्वर जो है हमारा ±10%, ठीक है। तो आपने स्क्रीन पे देख लिया। अब क्या करेंगे हम, ये जो दो नंबर है वो ऐसे कैसे लिख लेंगे 23, और ये जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10^1 और ये जो है हमारा ±10%, ये हमारी रजिस्टर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हम लेकिन ये जो है टॉलरेंस ये क्या है ये भी समझ लेंगे हम। तो इसकी वैल्यू हो गई 230 ओम, ठीक है, ±10%। अब हम क्या करेंगे, ये जो ±10% है तो ये 230 का हम 10% निकाल लेंगे, तो उसका 10% हम निकालेंगे 10% होता है
23। तो ये जो 23 है ये हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है ना 230, उसमें से प्लस और माइनस करेंगे। मतलब कैसे करेंगे, 230 माइनस 23 ये आ जाता है हमारा 107। और दूसरा है जो कि हम 230 प्लस 23 करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 253। मतलब ये क्या बता रहा है हमें, हमारी जो रजिस्टर की वैल्यू है वो 207 से 207 ओहम से लेके 253 ओहम तक वैरी हो सकती है। मतलब कि ये जो वैल्यू का रजिस्टर है ये 100% 230 ही नहीं होगा, वो 207 से लेके 253 के अंदर कोई भी वैल्यू का हो सकता है। तो ये बताता है ये जो होता है टॉलरेंस उसका ऐसे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फाइव बैंड रजिस्टर का कैलकुलेशन। ये भी बहुत सिंपल होता है, सेम उसी तरह का होता है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लो फाइव बैंड वाला रजिस्टर कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें क्या होता है, जो पहले वाले चार बैंड है वो एक साथ होते हैं और लास्ट वाला बैंड थोड़ा सा दूर होता है, जिससे हमें टॉलरेंस जो पता चलता है ना वो इसमें थोड़ा सा दूर होता है। मतलब वैसे तो हर ही रजिस्टर में वो दूरी होता है, बट ये जो चार बैंड है साथ में होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था, जो फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये जो हमारा फिफ्थ। तो एक एग्जाम्पल इस पर भी ले लेते हैं हम। तो जैसे आप देख रहे हो रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, सिल्वर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये पांच बैंड का कलर कोड चार्ट है। तो इसमें आप देख रहे हो रेड की जो वैल्यू है हमारी वो 2 है, उसके बाद ऑरेंज जो है उसकी वैल्यू हमारी 3 है, उसके बाद ब्लू जो देख रहे हो आप, ब्लू की वैल्यू 6 है, और हमारा जो ब्राउन है उसकी पावर है, ये जो हमारा है ब्राउन मल्टीप्लायर है 10^1, और सिल्वर जो है प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो ये रजिस्टर में क्या होता है ना, जैसे कि पिछले वाले फोर बैंड वाला जो रजिस्टर था उसमें थर्ड वाला जो था वो मल्टीप्लायर था, बट इसमें जो फोर्थ वाला होता है वो मल्टीप्लायर होता है। तो ये जो तीन नंबर है हम एज इट इज लिख लेंगे, जैसे कि हमारा है 2, 3, 6 और मल्टीप्लाई बाय 10^1 और प्लस माइनस 10%, ये हमारे रजिस्टर की वैल्यू होती है। इसको हम अच्छे से लिख लेंगे 236 10^1 मतलब 0 प्लस माइनस 10%। तो ये भी सेम वैसे ही है, इसकी भी जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 10% होगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा है हमने कैसे मतलब टॉलरेंस फाइंड किया है, सेम इसी के लिए भी वैसे ही अप्लाई होगा। इसका हम 10% निकालेंगे, देन 10% से जितनी भी वैल्यू आ जाएगी उसको माइनस करेंगे। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इसका 10% जो होगा वो होगा 236 इसका 10% होगा, तो 236 हम इसमें से माइनस करेंगे और फिर बाद में उस पर से प्लस भी करेंगे। फिर जो माइनस वाली वैल्यू आती है और जो प्लस वैल्यू आती है वो जो वैल्यू आ जाएगी तो ये रजिस्टर की जो वैल्यू है वो रेंज में होगी। तो सिंपली हम फाइव बैंड का रजिस्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेन बात आ जाती है हमारे फाइनल टॉपिक पे, जो कि है कि ट्रिक, कि कैसे ट्रिक से हम रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकें। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप सिंपली जब भी आपके हाथ में कोई भी रजिस्टर दे रहा है तो सबसे पहले जो ट्रुथ टेबल है, जो हमारा चार्ट है, कलर कोड जो चार्ट है हमारा, वो आप सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। मतलब वो एकदम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो जैसे कि कोई हमें बोल रहा है कि हमारा कलर है जो फर्स्ट है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है वो हम सीक्वेंस कैसे ले लेंगे। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि पहला कलर है मेरा ब्राउन है, दूसरा रेड है और फिर तीसरा ऑरेंज है। तो जैसे कि पता चल रहा है तो ब्राउन की वैल्यू होती है 1, रेड की होती है 2 और ऑरेंज की होती है किलो में, मतलब 10^3। तो झट से हमें ये पता लगना चाहिए कि ब्राउन रेड 1, 2 मतलब 12 किलो ओम्स। तो वेरी सिंपल है, आप थोड़ा सा टेबल अगर याद कर लेंगे ना तो वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे अभी समझ लो मैं एक दूसरा रजिस्टर ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू है ब्लू, येलो, रेड। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ब्लू की है 6,
येलो की है 4, मतलब 6 4, 2 डिजिट मैंने साथ में ले लिए मेरे दिमाग में, 6 4 हो गया। और थर्ड वाला जो है रेड, मतलब 2 0 आ जाएंगे, मतलब आगे, तो 6 4 00, मतलब ये होगा 6 4 00 ओम का रेजिस्टर। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप टूथ टेबल जो है रेजिस्टर का वो सिंपली याद कर लो। तो आपके लिए अगर ये क्या होता है ना, इंटरव्यूज में भी हम कहीं जाते हैं ना, तो वो लोग हमें ऐसे रजिस्टर थमा देते हैं हाथ में और इसकी वैल्यू पूछते हैं, तो आपको 1 2 सेकेंड में उसकी वैल्यू बतानी आनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही था इस लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।